दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केपी ब्लॉग्स। केपी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और आज मैं हूं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि यहां पर टाइगर पेंटिंग हो रही है जो काफ़ी अद्भुत है और सुंदर भी है। तो हम मिलते हैं जो लोग यहाँ पेंटिंग देख रहे हैं उनसे, तो आपकी बात कराते हैं। हम चलते हैं, पेंटिंग को दिखाते हैं आपको टाइगर की, जो अपने आप में एक रणथंभौर की शान है। और माना जाता है कि जो भी रेलवे स्टेशन पर आता है वो इनके साथ में सेल्फी लेता है। तो चलते हैं हम पेंटिंग की ओर। मैं गणेश शर्मा, टूरिज्म ऑफिस से सवाई माधोपुर बॉम्बे दिल्ली सेंटर के मध्य रेलवे लाइन पर स्थित है। वैसे तो सवाई माधोपुर की पहचान रणथंभौर नेशनल पार्क से है, परंतु इन दिनों सवाई माधोपुर जंक्शन पर वन्य जीवों पर आधारित पेंटिंग ने भी एक नया नाम रोशन किया है। वन्य जीव पर आधारित पेंटिंग को देखने के लिए जैसे ही ट्रेन आकर के खड़ी होती है तो यात्रियों में सेल्फी लेने की होड़ मची रहती है, यात्रियों का हुजूम सा उमड़ पड़ता है। मेरा नाम हंसराज मीना है, गांव मेरा पचाला है। मैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर यहां पर खड़ा हूं और यह स्टेशन के यहां पर यह पेंटिंग का कार्य चल रहा है यहां पर, जो बहुत ही अच्छा सुंदर है। भारत देश में अपने यहां राजस्थान में सवाई माधोपुर जंक्शन है, यहां पर ये यहां के लोकली पेंटर आदमी है, एक गजानंद जी है, गजेंद्र जी है और राजकुमार जी है, जो यहाँ के लोकल आदमी है। बहुत अच्छा सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के विदेशी सेनानी भी आते हैं जो इसको देखते हैं और यहाँ के लोग बाग, कई लोग बाग देख रहे हैं। बहुत अति सुंदर है ये और सभी लोग बाग देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। जो लोग बाग यहाँ पर फोटो वोटो भी खिंचवा रहे हैं और बाघ बचाने का जो संदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छी कलाकारी है हमारे यहाँ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अभी ये काम चल रहा है, बहुत अच्छा सुंदर काम है ये और ये
काफी लोग आते हैं, काफी लोग यहाँ फोटो भी खिंचवाते हैं। बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पर, अच्छा काम। ये अपने यहीं के लोकल आदमी है, गजानंद जी है, राजकुमार जी। जीवन में तो इसी पेंटिंग में तो नहीं देखे, ऐसे ही भाई लोग कर रहे हैं, एक नंबर पेंटिंग, बहुत जोरदार पेंटिंग है, एक नंबर पेंटिंग इनकी। इस पेंटिंग में कोई संदेह नहीं है, देखते ही मन को मोह रही है, देखते ही मन को मोह रही है। पेंटर साहब हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, आपने हमारे जिले का नाम रोशन कर दिया इस पेंटिंग से, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं यहाँ लोकल ही रहने वाला हूँ और जब स्टेशन क्षेत्र पे आया और मैंने इन भाइयों की पेंटिंग को देखा तो मेरा मन मोह लिया इन लोगों ने। इतनी सुंदर पेंटिंग आज दिन तक मैंने किसी की नहीं देखी। और हमारे सवाई माधोपुर जिले में स्टेशन क्षेत्र में ये जो पेंटिंग हो रही है, ये एक बाघ बचाने की परियोजना है। इससे लोगों में एक जागरूकता जाएगी, जागरूकता के साथ वो एक जीव जंतुओं के ऊपर एक दया का भाव प्रकट करेंगे। उससे हमारे जीव जंतुओं, हमारे टाइगर, जितने भी वन्य जीव हैं, उन लोगों को सुरक्षा मिलेगी। और हमारे स्टेशन का जो एक सौंदर्यकरण हो रहा है, इस सौंदर्यकरण में जो ये भाई लोग, गजानंद जी, हमारे विजेंद्र जी एक भाई हो रहे हैं, इनकी पेंटिंग जो जिस आधार से पेंटिंग कर रहे हैं भाई, ये पेंटिंग वाकई में इनकी मन को मोहने वाली है। मैं अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से और हमारे जितने भी मेरे साथी नवी की जो खड़े हैं, मैं सबकी तरफ से इन पेंटरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र मार्शल, मैं यही लोकल टोडरा सिंह टोंग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूं। और मैं बात कर रहा हूं इस सुंदर पेंटिंग की जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। देखते ही आपको महसूस हो रहा होगा कि पेंटिंग वाकई में कुछ बहुत ही सुंदर और लोगों को आकर्षित करने वाली पेंटिंग है। दरअसल ये पेंटिंग जो बनाई गई है, यहीं के लोकल आर्टिस्ट सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग बनाई है। और ये पेंटिंग एक सुंदर ही नहीं, लोगों को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इससे लोग
लोग वन्य जीवों के प्रति एक दया की भावना, उनको बचाने की भावना, ऐसी भावना लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। इसी के साथ ये पेंटिंग है तो है, लेकिन ये पूरे अपने सवाईमाधोपुर जिले में ही नहीं, वरन राजस्थान में ही नहीं, पूरी इंडिया में भी ये पेंटिंग लोगों को आकर्षित कर रही है। जो भी लोग इस रेलवे स्टेशन सवाईमाधोपुर पे आते हैं वो देखते ही इस पेंटिंग को बनते हैं और बिना फोटो खिंचवाए सेल्फी लिए बिना यहाँ से नहीं जाते हैं और दूर से ही देखकर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी सुंदर पेंटिंग है, ये जो पेंटर्स हैं इनको मैं अपने राजस्थान की तरफ से, पूरी इंडिया की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने काफ़ी अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाई है जिससे ये वरन इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग यहाँ पे फॉरेनर्स भी, कई कंट्री के फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं, अपने जो सवाईमाधोपुर में रणथंभौर अभयारण्य है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे टाइगर्स को देखने के लिए जो आते हैं उनको भी ये पेंटिंग आकर्षित करती है। और ये इंडिया से बाहर जाकर भी जो पेंटिंग इनको लोग देखते हैं तो भी इनके प्रति एक भावना बनाकर इनको देखने के लिए वापस आने की सोचते हैं। इन पेंटर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार। मैं चेतन सिंह जागा सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ। हमारा सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो सवाई माधोपुर की चहल पहल है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। और जो अभी यहाँ सवाई माधोपुर नेशनल पार्क में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी पूरा चलचित्र जो बनाया जा रहा है सवाई माधोपुर के अंदर, रेलवे स्टेशन से मंत्रमुग्ध हो रहा है और इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बयान करूँ, आप खुद अपनी आँखों से इसे देख सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर सेंचुरी, नेशनल पार्क, इसके बारे में क्या बताऊं, जो भी बताऊं उतना कम है। मतलब हमारा सवाई माधोपुर पूरा प्लेटफॉर्म हरी भरी वादियों से मतलब इतना उलफुल बन रहा है कि मैं इसकी सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में क्या करूं, आपको देख के बता सकते हैं। मेरा नाम गजानन सिंह है और मैं यहाँ वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट हूँ, टाइगर बचाने काम करता हूँ। और 2015 में WWF ने यह टाइगर का सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर काम करवाया था, जब इसे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड फेमस हो गया। हम भाग्यशाली हैं कि 2015 में भी काम किया और दोबारा से अब रेलवे द्वारा मतलब काम करवाया जा रहा है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान इंडिया में। तो ये रेलवे स्टेशन वर्ल्ड फेमस हो गया, हेरिटेज में आ गया है। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देना है टाइगर बचाने का, जंगल बचाने का, कि लोग इन जंगली जानवरों से प्यार करें, इनको बचाने में सब अग्रसर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए। और हमारे पर्यटक आएंगे तो विदेशी मुद्राएं हमारे भारत में आएगी, सवाई माधोपुर में ज़्यादा रोज़गार मिल सके। इसलिए दोबारा से ये रेलवे स्टेशन में जो काम किया जा रहा है हमें मिला है वापस, पहले भी हमने किया था अभी हम भी कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, सेल्फी लें। हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है पूरा और बहुत अच्छा तरीका से बनाया, बहुत अच्छे टाइगर बनाए, पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाए। और धन्यवाद देता हूँ WWF को जो 2015 में बनाया और रेलवे
डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि 2021 के अंदर वापस हमें काम दे करके और हमारी सौभाग्य बढ़ाए, हमारा सौभाग्य को आगे बढ़ाने में और आगे पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं और ये काम करके हम बहुत खुश हैं और हमारे आर्टिस्ट सब खुश हैं।